अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डबल पोल ब्रेकर और सिंगल पोल ब्रेकर, और हम किस तरह सिंगल पोल ब्रेकर और डबल पोल ब्रेकर को कनेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास सिंगल पोल ब्रेकर मौजूद है, यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे पेज तार को यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर पेज तार भी लगाएंगे लोड के लिए। और ये एक और ब्रेकर है जिसका नाम है सेफ्टी ब्रेकर, मतलब 64-63 एम्पेयर वाले हैं। और हम यहाँ पर दो तारे कनेक्ट करेंगे, एक पेस को कनेक्ट करेंगे और एक न्यूट्रल को। और यहाँ पर भी पेस को कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल, मतलब वापडे से जो बिजली आती है, तारे आती है, यहाँ पर कनेक्ट होती है, और हमारे लोड की तरफ जो तारे जाती है यहाँ से कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे इस बड़े वाले ब्रेकर को, और फिर इसके साथ लगाएंगे इस छोटे वाले ब्रेकर को। तो आइए हम इसकी वायरिंग करते हैं, इसकी कनेक्शन को ठीक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम पेज तार को लगाते हैं। इस तरह आपने देख लिया कि हमने पेज को लगाया, और यहाँ पर हमने न्यूट्रल को लगा दिया। ये वापडी वाला तार ही होती है, यहाँ पर आ जाती है, और हम फिर इससे हम लोड कनेक्ट करेंगे। इन दो टर्मिनल से हम लोड को कनेक्ट करेंगे, लेकिन याद है यहाँ पर हमने पॉजिटिव कनेक्ट किया तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आपने लगा, मतलब पॉजिटिव लगाया, तो आपके ब्रेकर को मतलब डैमेज हो सकती है। और ये है पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव को यहाँ कनेक्ट किया, और ये नेगेटिव, नेगेटिव की साइड पर नेगेटिव और पॉजिटिव की साइड पर हमने पॉजिटिव को कनेक्ट किया। तो ये डबल पोल ब्रेकर वाले ब्रेकर है, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट किया, मतलब पेज और न्यूट्रल को कनेक्ट किया। और अब यहाँ हमने सिंगल पोल वाले ब्रेकर को यहाँ से कनेक्ट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये वापडी वाले बिजली है, और यहाँ पर हमारे पास जो लोड कनेक्ट होती है, हम इसे लोड और सिंगल पोल वाले ब्रेकर को यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर लगाते हैं। अब इसको हम बटन लगाएंगे, जिस तरह आप देख सकते हैं ये बटन है, इसको हम कनेक्ट करेंगे बटन को। अब इसको लोड लगाएंगे, यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे लोड को। अब यहाँ हम लोड लगाएंगे तो पेज को पहले कनेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे न्यूट्रल को। अब हमने पेज को यहाँ पर कनेक्ट किया, और यहाँ पर हमने मतलब न्यूट्रल को कनेक्ट किया, लोड से हमने नेगेटिव को कनेक्ट किया, मतलब हम यहाँ पर लोड लगाएंगे, मतलब एक बल्ब को लगाएंगे यहाँ पर। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वायर पेज है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये पेज वाले जो तार है यहाँ पर हमने सिंगल पोल से कनेक्ट किया हुआ है, और सिंगल पोल से जो तार यहाँ पर आती है, मतलब हमने यहाँ पर एक बटन लगाया है, और बटन के बाद यहाँ पर हमने लगाया है एक लोड को कनेक्ट किया है, मतलब बल्ब को हमने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ आप देखें ये जो काला तार है, मतलब ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर हमारे पास न्यूट्रल है, तो हमने न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें हमने डायरेक्टली ये वायर कनेक्ट किया हुआ है ये लोड का। आप यहाँ देखें ये लोड है, हमने कनेक्ट किया हुआ है इस लोड से। तो चलते हैं अब इसको चेक करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो आप देखें यहाँ पर, आप यहाँ देखें ये आप है, जब भी हम ये इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर बिजली इस पोल में आ गई। तो अब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर बिजली आ गई। अब इसको ऑन करेंगे तो ये लोड हमारे पास चल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लोड हमारे जो यहाँ पर ये बल्ब जल गया। तो ये थी हमारे पास जिस डबल पोल से सिंगल ब्रेकर को कनेक्ट किया, और सिंगल पोल से हमने यहाँ पर एक बटन लगाया, बटन के साथ एक लोड को कनेक्ट किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।